हिसार में टीचर की पिटाई का अनोखा मामला सामने आया है। अंग्रेजी टीचर को स्कूल में छात्र को डांटना महंगा पड़ा है। दरअसल तीन दोस्तों ने टीचर की पिटाई की, इतना ही नहीं वीडियो भी बनाया गया, इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, पोस्ट किया गया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है। तो अपने ही टीचर की पिटाई किए जाने का मामला बताया जा रहा है कि टीचर ने किसी बात को लेकर छात्र को डांटा और इसी बात से खफा होकर छात्र ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर टीचर की पिटाई की। देखिए, तो गुरु और टीचर के जो एक सम्मान है इन रिश्तों के बीच का, उससे तार तार करने का ही मामला। अमित वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या जानकारी, चूंकि वाकई बहुत हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, टीचर के लिए एक सम्मान जो होता है, और यहाँ टीचर की ना केवल पिटाई की जा रही बहुत छोटी सी बात को लेकर बल्कि वीडियो भी बनाया गया, ऐसे पोस्ट भी किया गया। जी बिल्कुल, इस हार में टीचर की पिटाई का मामला बिल्कुल सामने आया, जहाँ पर एक अंग्रेजी के टीचर की यहाँ पर बच्चों ने पिटाई कर डाली है जी। और बच्चा इतनी क्योंकि कुछ ये मामला सोमवार का बताया गया, जिस पर टीचर ने एक बच्चों को डांट दिया गया था, जिससे नाराज होकर बच्चे ने उसकी पिटाई की, और पिटाई करने के बाद टीचर के साथ जो मार पिटाई की गई है उसका वीडियो बनाया और वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल किया। और जैसे ही अध्यापक ने इसका पता लगा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो पुलिस की ओर से अब तक क्या कुछ किया गया, क्या कोई कार्रवाई छात्रों के खिलाफ किसी तरह की? जी बिल्कुल, अभी तक की बात किया तो दोनों पक्षों के बीच में अभी भी पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, लेकिन जो आसपास के गांव के लोग वह भी इस मामले में आ चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाने का लगातार प्रयास करे, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच में समझौता नहीं होता तब तक हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही बात नहीं बनती उसके बाद बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलो, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी अमित। तो हिसार का मामला, टीचर की पिटाई की गई, वीडियो भी वायरल हो रहा है, अब देखना ही है इस वीडियो के आधार पर इन छात्रों के खिलाफ क्या और किस तरह की कार्रवाई बनती है और की जाती है।